प्लेयर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू फायर एसएमपी पार्ट 2। और इस वाले पार्ट में मैं मेरे दुश्मन को मैं एक ऐसे ट्रैप से मारने वाला हूँ जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यस दोस्तों, अभी मैं उस वाले ट्रैप को बनाने जाऊंगा एंड टेस्ट करूंगा कि वो सच्ची में वर्क करता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सर्च टूल पे जाके ये सब सर्च करके ले लेते हैं एंड अभी इसको चलो बनाते हैं। ओके दोस्तों, ये वाला 5x5 का स्क्वायर होल हो गया। अभी इसके ऊपर से ये 3 ग्रास ब्लॉक लगाएंगे एंड इसके ऊपर से ये ट्रैप चेस्ट एंड इसके अंदर रखेंगे बहुत सारे डायमंड्स एंड ये रहा अपन का ट्रैप आधा रेडी हो गया। तो अभी बस एक लास्ट चीज रह गई, इसके नीचे से मुझे चारों तरफ से टेंट फिल कर देना है। तो चलो फिल करते हैं। एंड ये हो गया है हमारा ट्रैप रेडी, बस इसके ऊपर से ये ग्रास ब्लॉक लगा देते हैं। हमारा ट्रैप हो चुका है एकदम से फुल्ली रेडी, इसको भी ढक देते हैं। यस दोस्तों, अभी बारी आती है इस ट्रैप को टेस्ट करने का। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं ना अपने रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया एंड अभी गेम और सर्वाइवल कर देते हैं। एंड अभी चलो मान लो कि ये कोई प्लेयर है एंड ये एंचेंटेड एप्पल खाते आ रहा है। ओ भाई, यहाँ पर तो इतने सारे डायमंड्स है, ले लेते हैं चलो। एंड ये डायमंड्स लेगा। ओ भाई, मेरा गेम ही क्रैश हो गया, इतना लैग कर रहा था ये। मतलब ये ट्रैप वर्क करता है। ये देखो दोस्तों, पूरा एकदम इसको जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसका मतलब ये वाला ट्रैप ही मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि मैं ये सर्वाइवल में ये ट्रैप चेस कैसे बनाऊंगा। एंड अभी यार मुझे उसके लिए भी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले फायर एसएमपी में एक बार चल के देखते हैं। ये ट्रैप तो कंफर्म हो गया कि ये वर्क तो करता है, बट पहले हम टीएनटी एंड ट्रैप चेस की रेसिपी देखते हैं। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्टिंग टेबल रख दिए। अभी क्राफ्टिंग टेबल पे चेक करते हैं एंड सबसे पहले हमें लिखेंगे टीएनटी। ओ भाई, इसके लिए सैंड और गन पाउडर चाहिए। ओके, तो अभी हमारा मेन ट्रैप चेस्ट देखते हैं। ओ भाई, इसके लिए तो बस एक चेस्ट और ट्रिपर चाहिए, इतना आसान। ओके कोई नहीं, ये तो मिल गया अपन को। अभी हम सर्च करेंगे ट्रिपर वुक। भाई, इसके लिए तो बस एक आयरन स्टिक और प्लैंक्स चाहिए। भाई, ये भी हम कर लेंगे। चलो दोस्तों, अभी फायर एसएमपी में चल के ये सब कलेक्ट करते हैं। यस दोस्तों, अपन आ चुके हैं फायर एसएमपी के अंदर। तो अभी मैं ट्रैप चेस्ट और टीएनटी को बनाने वाला हूँ। सबसे पहले अपन ट्रिपर हुक को बनाते हैं। इसके घर से लकड़ी को तोड़ लेते हैं। ओके गाइस, अभी मैं ये जल्दी से इस ओक लॉग को प्लैंक में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी पहले बनाते हैं अपना ट्रिपर हुक। ये खोला मैंने क्राफ्टिंग टेबल एंड चलो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रखते हैं स्टिक, ये रहा प्लैंक्स और ये रहा आयरन। ओ भाई, ये देखो दोस्तों, अपना ट्रिपर हुक बन गया, दो बन गए कोने। चलो अभी बनाते हैं अपना ट्रैप चेस्ट, ये भी बन गया। ओके, भी इसको मिक्स करते हैं एंड ये बन गया अपन का ट्रैप चेस्ट। तो दोस्तों, अभी मैं बनाने वाला हूँ अपना टीएनटी। लेकिन टीएनटी को बनाने से पहले मुझे लगेंगे बहुत सारे गन पाउडर्स एंड सैंड। तो भाई चलो पहले सैंड कलेक्ट करना शुरू करते हैं एंड अभी आप उसका छोटा सा बस टाइम लैप्स एंजॉय करो। एंड यस दोस्तों, अपन का अभी सैंड कलेक्ट हो चुका था टीएनटी के लिए। तो चलो दोस्तों, अभी कलेक्ट करते हैं अपना गन पाउडर। ओके दोस्तों, यहाँ पर पूर्व ने एक एक्सपी फार्म बनाया है एंड उसने मुझे 50 गन पाउडर भी दिया है। तो सबसे पहले चेस्ट में देखते हैं क्या है। ओ भाई, उतना खास भी जमा नहीं हुआ। एंड ये देखो दोस्तों, मेरे पास 50 गन पाउडर। चलो दोस्तों, अभी गन पाउडर को कन्वर्ट करते हैं टीएनटी पर। यस दोस्तों, अभी हमारा सारा का सारा चीज हो चुका है कंप्लीट। अभी जाकर है ना चुपचाप से सो जाते हैं। अबे ये स्लोमो का इफेक्ट किसने दिया? अबे यार, तेरी विच की ऐसी की तैसी। रुक, तेरे को मैं अभी बताता हूँ। अबे यार तेरी जोक सफर दोस्तों। अभी चलो अपन का बेस बनाने चलते हैं, वो भी AJR का फेक बेस। तो चलो अभी उसको बनाते हैं। लेकिन यार, बनाने से पहले मुझे एक लोकेशन भी ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने लोकेशन ढूंढ रखा, बस सामने ही है।
ये देखो दोस्तों, विलेज के मतलब हमारे SMP के ब्रिज के सामने ही है, तो बाय चांस नूब भाई यहाँ पर अंदाजा तो लगा सकता है, लेकिन उसको बेटर है कि कॉर्स दे दूँ। तो चलो दोस्तों अभी यहाँ पर नीचे स्ट्रेट डिग डाउन करते हैं। ओके ये रहा, अभी आप बस छोटा सा एक टाइम लैप्स एंजॉय करो बेस बनाने की। ओके यहाँ पर हमारा आधा बेस रेडी हो चुका है, अभी बस इसके चेस्ट के अंदर थोड़ा सा लालच देने के लिए गोल्ड रख देते हैं। एंड दोस्तों इसके नीचे मैं ये ट्रैप छुपाने वाला हूँ, तो ट्रैप हम एकदम लास्ट में करेंगे जब ये हमारा बेस बन जाएगा। 2000 years later. ओके दोस्तों यहाँ पर हमारा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस अभी इसके ऊपर से ये स्ट्रिप्ड ओक लॉक लगा देंगे एंड यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज जैसे कि बेड फर्नेस रख के अपन का बेस तैयार हो जाएगा। एंड ऊपर से जाने के लिए एक लिफ्ट भी लगा देंगे, बस यहाँ से ओक लॉक एंड वो लगाना स्टार्ट करते हैं कॉबर स्टोन। ओके दोस्तों अपन का बेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी बस यहाँ पर रिसोर्सेस लाके देना है एंड अभी मिस्टर नूब ट्यूब का खेल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उसने मेरे से बहुत पंगे लिया है, उसने मुझे बहुत बार मारा है और उसने मुझे बहुत बार टॉर्चर भी किया है, तो इस बात के लिए मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। अभी चलो बस ये बेड फर्नेस क्राफ्टिंग टेबल ये सब रख के आते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने ऊपर जाके वो सारे रिसोर्सेस ले आए, देखो इन्वेंटरी में ये मेरा बेड, चलो अभी यहाँ पर बेड प्लेस करते हैं एंड अभी ये फर्नेस और ये क्राफ्टिंग टेबल। सो गाइस अभी इस ट्रैप चेस्ट के नीचे लगाएंगे हम TNT जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। चलो ये सब खोदते हैं। एंड अभी लगाएंगे यहाँ पर TNTs एंड ये लास्ट वाला लग गया। अभी चलो इसके ऊपर से कॉपर स्टोन ढक देते हैं एंड हमारे ट्रैप एंड फेक बेस AJR का सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी बस यहाँ पर एक लिफ्ट बना के मिस्टर नूब के लिए वो कॉर्ड्स वाला इनविटेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वाटर लिफ्ट रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वाटर लिफ्ट रेडी हो चुका है, ये देखो यहाँ पर। अभी चलो ऊपर चलते हैं। ओके अभी यहाँ से ग्रास ब्लॉक को तोड़कर यहाँ से पहले निकलते हैं। एंड गाइस अभी मैं वो वाला कॉर्ड वाला इनविटेशन बनाने वाला हूँ, तो उसका भी मैं आप लोगों को क्लिप्स दिखा देता हूँ। बट सबसे पहले है ना इस वाले जगह को ढककर इसको मतलब एकदम सिक्योर कर देते हैं ताकि कोई इसको देख ना पाए, बल्कि मेरे टीममेट्स भी देख सकते हैं बट उनको पता नहीं कि नीचे ट्रैप चेस्ट है तो वो खोल सकते हैं, तो इसीलिए अभी के लिए इसको छुपा के रखते हैं। एंड गाइस अभी मैं मिस्टर नूब के लिए कॉर्ड इनविटेशन वाला हिंट बनाऊंगा, तो उसका आप ये छोटा सा क्लिप एंजॉय करो। सो गाइस अभी फुल्ली कॉर्ड इनविटेशन ट्रैप फेक बेस AJR का सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी टाइम आ चुका है नूब भाई को बुलाने का। मैंने अपनी मेहनत से तेरे को प्रोटेक्शन 4 का आर्मर दिया है। हाँ मुझे पता है। SMP में आज कैसे खेल रहा है? अरे भाई मेरा, मैं 3 बजे के बाद चला जाऊंगा। मतलब फिर कभी नहीं खेलेगा? नहीं मतलब एक बार डेढ़ महीने बाद आऊंगा, कभी कभी आ सकता हूँ बहुत कम टाइम के लिए। तो उस टाइम पे मिस्टर नूब भी मेरे लिए कुछ काम का बताता है और तब भी मैं ये बोलता हूँ हाँ ठीक है, मैं आपको AJR जब कोर्स देगा तब मैं आपको 12 बजे SMP में आकर दे दूंगा। एंड ऑफ कोर्स वो मेरी बात मानता है। ठीक है भाई। फिर क्या, वो मैं उसका बहुत इंतजार करता हूँ एंड देन आखिरकार वो आ ही गया। ओ दोस्तों वो रहा, देखो देखो आ रहा है, इसका नेम टैग दिख रहा है मुझे। ओके जिमिक्स भाई के हिसाब से तो कोऑर्डिनेट्स यहीं पे होने चाहिए थे। ओके ये ले रहा है। ओके ये भी
देख रहे हैं नीचे कि ये कोई ट्रैप व्रैप के नहीं है भाई, इसको पता ही नहीं है कि असली ट्रैप किधर है। ओके, ये चेस्ट से निकाल रहे हैं। अभी मार क्यों रहा है? रिमिक्स भाई मुझे लेके चलो। अच्छा ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। भाई ये रहा, यहाँ पर है उसका बेस, कोबलस्टोन को तोड़ो। अच्छा चलो मैं नीचे चलता हूँ। हाँ अब जो, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। भाई भाई तूने ट्रैप बनाया है। ओ नो, ये खुद क्यों रहा? ओ भाई शिट शिट, अबे यार इतनी मेहनत करा था यार इस ट्रैप को बनाने में, ये मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया यार। अभी मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी जिमिक्स भाई। नो को तूने धोखा दे के अच्छा नहीं किया। अबे कहाँ भाग रहा है अभी, रुक जाना। अबे ये क्या हो रहा है? वो शिट हाफ हेल्थ पे हुए हैं नो। अबे यार ओ, ये मैं कहाँ पर आ गया? जिमिक्स भाई मेरे को धोखा नहीं देना था यार। तो भाई मुझे छुड़वा ना। अभी सुन, चुपचाप इधर रिस्पोन पॉइंट सेट कर। अरे यार अभी तो करना ही पड़ेगा। स्पोर्ट भाई मैं इसको बैन नहीं कर सकता, तुम मार दो इसे। नहीं नहीं, ओ शिट यार। जिमिक्स भाई सॉरी यार, सॉरी।